नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, इसको लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर समझौता हो गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने इसका ऐलान किया। पटना के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार बीजेपी के प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद, वहीं जेडीयू कोटे से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे। उसमें भूपेंद्र यादव ने कहा कि विगत 4 विधानसभा चुनाव से लगातार बीजेपी और जेडीयू का संबंध है। 16 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। कहीं कोई, यानी कि जेडीयू और बीजेपी में कहीं कोई विभेद नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। जहां तक 24 विधानसभा सीटों की बात है तो इस पर समझौता हो गया है। आज हम मुख्यमंत्री से भी हम मुलाकात किए हैं और उन्होंने समझौते का ऐलान किया और कहा कि जो 24 विधान परिषद की जो 24 सीटें हैं उसमें 12 सीट पर बीजेपी और एक सीट, यानी कि बीजेपी के कोटे में 13 सीट, लेकिन उसमें से एक सीट जो है वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी लोजपा को दी जाएगी। यानी कि बीजेपी अपनी तरफ से एक सीट पारस की पार्टी को देगी, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है। वहीं सहयोगी दल जेडीयू के लिए 11 सीटें छोड़ी गई हैं, यानी कि विधान परिषद की 11 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आधिकारिक तौर पर आज इसका ऐलान किया गया। इसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री एवं जेडीयू की तरफ से विधान परिषद चुनाव पर समझौते को लेकर के जो बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी, उन्होंने बाजाप्ता 24 विधानसभा क्षेत्रों, माफ कीजिएगा, विधान परिषद क्षेत्रों के नाम का ऐलान किया और कहा कि बीजेपी कोटे में जो 12 सीटें हैं उसका भी नाम विजय चौधरी ने ही ऐलान किया। तो सबसे पहले हम उस लिस्ट के बारे में आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में गई है। बीजेपी कोटे में अगर हम बात करें बीजेपी कोटे की, तो उसमें रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली सीट। यानी कि यह 13 जो सीट हुआ इसमें से 12 सीट पर बीजेपी लड़ेगी और एक सीट जो वैशाली पड़ता है, जो रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र रहा, उस वैशाली सीट को, हाजीपुर सीट को पशुपति कुमार पारस के खाते में दी गई है। पशुपति कुमार पारस ने पहले डिमांड भी किया था कि वैशाली सीट हमें दी जाए, यानी कि लोजपा के खाते में दी जाए। बीजेपी ने उस मांग को स्वीकार कर लिया है और अंततः आज जब ऐलान हुआ तो वह सीट, यानी कि वैशाली सीट, लोजपा जो राष्ट्रीय लोजपा है, जो पशुपति कुमार पारस का गुट है, उसे वो सीट दे दी गई है। अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू कोटे में 11 सीटें गई हैं। उसमें पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा और मधुबनी शामिल है। यानी कि 11 सीटों पर, विधान परिषद की 11 सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट उतरेंगे, 12 सीट पर बीजेपी के और एक सीट पर राष्ट्रीय लोजपा, यानी कि पशुपति कुमार पारस का गुट वहां से चुनाव लड़ेगा। तो सीटों का समझौता हो गया है, 3 दलों का प्रतिनिधित्व मिला है। एनडीए में 5 दल हैं लेकिन 3 दलों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा। जीतन राम मांझी की पार्टी हम और वीआईपी के मुकेश सहनी को एक भी सीट इसमें नहीं मिला है, यह आज स्पष्ट हो गया है। 3 दलों का प्रतिनिधित्व इस विधान परिषद चुनाव में होगा। तो हमने आपको बताया कि 24 सीटों में किस दल को कितनी सीटें खाते में गई हैं। जेडीयू के खाते में 11 सीटें आई हैं। अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।